मतलब आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने यहाँ पे लाइफ चेंज करी है। और नेटवर्क मार्केटिंग का अगर आपको पोटेंशियल पता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पोटेंशियल क्या है, लोग कैसे यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं जो आपको बहुत कुछ नॉलेज देने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं पलक बुधवानी, मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, और आप ही की तरह एक सिंपल हाउस वाइफ थी जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से मतलब रूबरू करवाया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। और जैसे मैंने क्वेश्चंस किए हैं, जैसे आपके आंसर हैं, सेम मैं भी यही चाहती थी कि मंथली ज्यादा से ज्यादा 20,000, 25,000 या 30,000 तक भी मिलता है तो बहुत है सर्वाइव करने के लिए। लेकिन जब हमने वर्क स्टार्ट किया तब इच्छाएं बढ़ती चली गई। तब ये लगता था कि जब इतनी इनकम स्टार्ट हो गई है तो आगे भी हमें इनकम करनी है ना। मतलब एक सेटिस्फेक्शन बोलते हैं ना, लेके इनकम को वो बिल्कुल भी नहीं था। इनकम जितनी ज्यादा इंक्रीज होती चली जाए, क्योंकि पता है क्यों ऐसा लगने लगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि अगर हम किसी जॉब में हैं तो ये फीलिंग कभी आ ही नहीं सकती, लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और हम जब देख रहे हैं कि हमारी इनकम डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो अपने आप को ये लगता है कि हम और ज्यादा इंक्रीज करें इनकम को। और मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मैं एक सिंपल हाउस वाइफ थी, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया, 3 to 4 years का मेरा एक्सपीरियंस है और एंटरप्रेन्योरशिप में काफी सक्सेसफुल रही हूँ। 16 months में 70,000 लोगों का नेटवर्क क्रिएट किया, 40 lakhs प्लस अर्निंग करी। और अब जिस कंपनी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इसमें मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। अब आप खुद सोच सकते हो कि एक हाउस वाइफ, एक सिंपल हाउस वाइफ जो ऑनलाइन थोड़ा बहुत वर्क करती थी, जो सिर्फ एक्सपेक्ट करती थी कि 25,000, 30,000 ऐसे अर्निंग हो जाए, तो वो हाउस वाइफ एंटरप्रेन्योर बनी। एंटरप्रेन्योरशिप में 25,000 फर्स्ट मंथ के चेक से लेके लास्ट मंथ में मैंने 5 lakhs तक पहुंचाया था अपना चेक। और अब जिस कंपनी का प्लान आपको बताने वाले हैं, उस कंपनी में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरी इनकम आपको बतानी चाहिए। तो जब मैं कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। और कंपनी के बारे में आपको बताऊं तो कंपनी को रजिस्टर हुए, एमसीए में रजिस्टर हुए 1 साल कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे जब से वर्क स्टार्ट हुआ है, जब से सबकी अर्निंग स्टार्ट हुए, तो आज 6 months कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही सक्सेसफुली सब चल रहा है। वो आपको अभी हम वीडियो दिखाएंगे जिसमें आपको सारा कुछ क्लियर होगा। तो अब मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगी प्रेरणा माहेश्वरी को। अनम्यूट योर सेल्फ प्रेरणा। आपको प्रेरणा और बहुत सारे लीडर्स हैं जो आपको अपने बारे में बताएंगे कि उन्हें यहाँ से क्या क्या मिला, कितने थैंक यू सो मच मैम, सक्सेसफुल वेरी गुड इवनिंग रहे। गुड इवनिंग। एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में मैं वेलकम करती हूँ। मैम ने आपको सारा कुछ बता ही दिया है किस तरीके से आप अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं, तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको सीधे प्लान की तरफ ले चलती हूँ किस तरीके से आप सभी हमारी तरह यहाँ पे एक अमेजिंग इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड आपको लाइव इनकम भी यहाँ पे देखने को मिलेगी लीडर्स की, एंड उसके बाद आपको काफी कुछ लाइव यहाँ पे फॉर योर वेरिफिकेशन साइट देखने को मिलेगा। सो बी विद अस टिल एंड ऑफ द सेशन, स्टे ट्यून्ड, ताकि आपको इस प्लान का पोटेंशियल क्लियर हो। नेटवर्किंग से क्यों अलग है ये कंसेप्ट, क्यों 100% सक्सेस सबकी यहाँ पे हो रही है, वही आपको यहाँ पे जानना है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस, जस्ट अ मिनट। एंड आज कंपनी के लिए बहुत ही लकीएस्ट डे है, हमारे लिए बहुत ही वंडरफुल डे है, क्योंकि कंपनी को सक्सेसफुली 6 months
यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, तो मैं आपके संग वही शेयर करना चाहूंगी सबसे पहले। वीडियो आप सभी ने स्क्रीन पर देखा होगा और डी ड्रीम की सक्सेस किस तरीके से ऊंचाइयों के शिखर को छू रही है, किस तरीके से यहाँ हजारों लोग लाखों की अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं एंड किस तरीके से यहाँ अपनी सभी लाइफ टाइम रेजिडुअल इनकम स्टार्ट कर चुके हैं। बस वही आपको आज रूबरू करवाना है कि किस तरीके से आप यहाँ पर अपने अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं एंड जो भी आप आज यहाँ पे ड्रीम्स लेके आए हैं, सोच के आए हैं, वो सारे आपके यहाँ से फॉर श्योर कम्प्लीट होने वाले हैं। बट तो डैट आपको पूरा प्लान समझना है, क्या प्लान है, क्या किस तरीके से आपकी यहाँ इनकम आती है, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग इनकम, तो वही मैं आपको सीधे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सीधे प्लान की तरफ आपको लेके चलूंगी। ओके, सो बेसिकली कंपनी ने जो आपको इनकम प्रोवाइड करी है ना, वो 5 types की इनकम यहाँ पे प्रोवाइड की है आपको यहाँ पर इस सेशन में। ये फर्स्ट इनकम ध्यान से समझ के जाना है क्योंकि बाकी की जितनी भी इनकम है वो इंटरकनेक्टेड इनकम है, वो सारी इनकम आपकी ऑटो जनरेटेड है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। आई होप मेरा वीडियो भी विजिबल है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको मैचिंग इनकम आज यहाँ पे समझ के जाना है क्योंकि इटसेल्फ ये जो इनकम है मैचिंग इनकम, ये आपको माय डियर फ्रेंड्स डेली का 6K to 18K देने वाली है, जो कि आपको आज हम लाइव भी दिखाने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पे सबकी इनकम काफी अच्छी जनरेट हो रही है। एंड ये जो मैचिंग इनकम होती है ये आपकी वीकली इनकम होती है, मतलब इस इनकम को लेने के लिए आपको मंथ एंड तक भी वेट नहीं करना होता है। एंड उसके बाद आपकी ये जो इनकम होती है जनरेशन इनकम, टीम बिल्डिंग बोनस इनकम एंड कैश अवार्ड इनकम, ठीक है, ये इनकम आपकी प्योरली ऑटो जनरेटेड इनकम है। ठीक है, ये इनकम आपकी कैसे आती है, ये आपकी अपने आप से जनरेट होती है, इनको लेने के लिए आपको एज सच कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये मैचिंग इनकम से इंटरकनेक्टेड इनकम है। आपको आज इस सेशन में जो इनकम समझ के जाना है दैट इज मैचिंग इनकम। ठीक है, एंड 5th type की जो इनकम है वो रिटेल प्रॉफिट है। ये इनकम आपकी चॉइस ऑफ इनकम होती है फ्रेंड्स। ये चॉइस ऑफ इनकम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से प्योरली अपनी व्हाइट मनी जनरेट करते हैं, बेसिकली आप अपने कैरियर को रीलॉन्च करते हैं यहाँ पे। तो ये जो रिटेल प्रॉफिट है, क्योंकि हमारे पास कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको सेलिंग में भी इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग सेल करके मार्जिन बेसिस पर ये वाला प्रॉफिट भी अपना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज योर चॉइस ऑफ इनकम। ठीक है, तो चलते हैं सीधे मैचिंग इनकम की तरफ, किस तरीके से आपकी यहाँ पे इनकम आएगी। देखिए, आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको इस प्लान को समझना है कि आपके पास आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है जहां से आप एक जेन्युइन इनकम जनरेट करो विदाउट एनी लॉस। मतलब बेसिकली आपका कुछ लॉस नहीं होना चाहिए, आपका कुछ खोने का नहीं होना चाहिए, बट स्टिल आप वहां से लाखों की अर्निंग स्टार्ट कर पाओ। तो आपको बहुत लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली सोच के अपना एक स्टार्ट करना है करियर। तो यहाँ पर आप किस तरीके से अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा काम है, सिर्फ आपको ये अपॉर्चुनिटी सामने वालों तक पहुंचानी है। कैसे पहुंचानी है, उसके 2 ways होते हैं, एक होता है ऑफलाइन मोड और एक होता है ऑनलाइन मोड।
ऑफलाइन मोड में इफ यू आर हैविंग हेल्दी सर्कल, अगर आपने अपनी लाइफ में आज दो भी कॉन्टेक्ट ऐसे मेंटेन किए हैं जिनको यू नो आप एक ट्रस्ट जो आपके ट्रस्ट वर्दी पर्सन है और जिनको नीड है अर्निंग की, तो सबसे पहले आप उनकी हेल्प करोगे राइट, जो आपके नोन पर्सन है, तो उनको आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बता के ज्वाइन करवाते हैं एंड वो आपके साथ अर्निंग स्टार्ट करते हैं और आपकी भी अर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आपके पास कोई सर्कल नहीं है, आपके पास आपने मतलब इतना अच्छा रिलेशन नहीं अगर बिल्डअप किए हैं कि आप किसी दो पर्सन की भी अगर हेल्प नहीं करवा पा रहे हो, तो उस केस में आपको ये स्विच करना है डिजिटल मार्केटिंग पे, जिसके थ्रू आपको किसी को भी सर्च करने की जरूरत नहीं होती है, आपको इसकी पूरी ट्रेनिंग या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको ऑल ओवर इंडिया से कनेक्ट करवाया जाता है, मतलब आपको करोड़ों की पॉपुलेशन से सीधे कनेक्ट करवा दिया जाता है। दोज आर लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम एंड अकॉर्डिंग टू सर्वे, मैं आज आपको बता देना चाहूंगी, स्पेशली इन इंडिया बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर लुकिंग फॉर सच टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, दे आर लुकिंग फॉर सच टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवानी है अपॉर्चुनिटी उन तक जो आपको कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी इनकम कैसे आती है वो आपको जानना है। जैसे आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे एक महीने की इनकम लेने आ रहे हैं, दो महीने की, कोई भी टेम्परेरीली इनकम आप यहाँ लेने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है लाइफ टाइम रेजिडुअल इनकम की। अब ये लाइफ टाइम रेजिडुअल इनकम क्या होती है? ये वो इनकम होती है कि एक टाइम के बाद अगर आप कुछ किसी भी कारणवश, किसी भी रीजन वाइज आप काम नहीं कर पा रहे हो, स्टिल आपके घर में अर्निंग आती रहती है। क्या कोई भी जॉब में अगर आप जॉब छोड़ देते हो या फिर आप बिजनेस आपका स्टॉप हो जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है आपकी तब भी इनकम आती रहती है आपके घर में? नहीं, ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है। बट इस बिजनेस में एक टाइम के बाद यहाँ पर आपकी अर्निंग नहीं रुकती है और वही इस बिजनेस का पावर है और वही आपको आज यहाँ पे समझ के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे हाउ यू विल गेट एंटर हियर, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ लाइफ में एक बार अपनी शॉप चेंज करनी है। जैसे 10 साल से 20 साल से जितने भी सालों से आप अपने प्रोडक्ट्स, जो भी आपके रिक्वायरमेंट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, आप मार्केट से लेते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने टीवी पर एक सेलिब्रिटी का एड देखा, आपको एक शैम्पू का एड दिया उन्होंने जो आपको काफी अट्रैक्टिव लगा, एंड देन आपको, आप स्टोर में गए, आपने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यू नो परचेज किया, आपने खरीदा उसको और उसको आपने यूज किया। उस प्रोडक्ट को यूज करके क्या आपके पास कोई अर्निंग सोर्स आया? नहीं। आपने किस किस को रिच बनाया? आपने उस ब्रांड एम्बेसडर को, उस सेलिब्रिटी को जिसने उस प्रोडक्ट का प्रमोशन किया था, एंड उस ब्रांड को, जिस ब्रांड का प्रोडक्ट आपने यूज किया। हम आपको यहाँ क्या बोल रहे हैं, आप किसी और को रिच ना बना के आप यहाँ पे खुद को रिच बनाएंगे, रेदर देन मेकिंग टू रिच समवन एल्स, आप यहाँ पे खुद को रिच बनाने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट होगा? यहाँ पे कंपनी ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है, 4 टाइप्स की कंपनी ने आपको एंट्रीज दी है। फर्स्ट इज योर ब्रॉन्ज एंट्री, जो आपकी ओनली 1100 रुपीज की वन टाइम परचेज से आपकी आईडी एक्टिवेट होती है, जिससे आप कंपनी के लाइफ टाइम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ वन टाइम है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अदर्स नेटवर्किंग में बेसिकली होता क्या है, आपको एवरी मंथ परचेजिंग करनी पड़ती है, आपको सेलिंग भी करनी पड़ती है, आपको बहुत सारे टारगेट्स दिए जाते हैं, मल्टीपल लेग्स पे वर्क करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट इज डिफरेंट हियर, बस आपको वही समझना है कि किस तरीके से आप यहाँ पे एक अमेजिंग इनकम जनरेट करने वाले हैं। तो जब आप 1100 रुपए की वन टाइम परचेज करते हैं, उसके बदले आपको A1 क्वालिटी उतने के ही प्रोडक्ट मिल जाते हैं, मतलब आप 0% रिस्क पर बैठे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको डेली अर्निंग मिल जाती है 1500 रुपए की। अब ये डेली अर्निंग क्या होती है? ये होती है कैपिंग। कैपिंग का मतलब क्या होता है? कैपिंग इज डिसाइडेड बाय योर एंट्री। जिस भी एंट्री से आप आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप डेली अर्निंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका किसी भी दिन अगर 1600 रुपए भी बना और अगर आप ब्रॉन्ज मेंबर हो तो आपको 1500 ही मिलेगा, बाकी का एक्स्ट्रा आपका फ्लश हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड कैपिंग डिसाइडेड बाय योर एंट्री, ठीक है। सेकंड होती है गोल्ड एंट्री, जिसमें आपकी ओनली 2200 रुपीज की लाइफ में सिर्फ एक बार परचेजिंग होती है, एंड उसके बाद आपकी डेली की अर्निंग 3000 आप इसमें कर सकते हैं, ये आपकी कैपिंग होती है, ठीक है। एंड थर्ड इज योर प्लेटिनम एंट्री, जिसमें आपकी वन टाइम परचेजिंग होती है 3300 रुपीज की, एंड उसमें आपको डेली का अर्निंग मिल जाता है 4500 रुपीज का। लास्ट डायमंड एंट्री, जिसमें 4400 रुपीज की वन टाइम परचेज होती है,
एंड इसमें एक तो आपको सबसे हाईएस्ट कैपिंग पर आप आ जाते हो, सबसे बेस्ट डायमंड है क्योंकि आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेली की अर्निंग 6000 पे आ जाते हो। दूसरा, आप यहाँ पर जितनी भी कंपनी में अदर्स इनकम आपको यहाँ पे दी है वो प्योरली नॉन वर्किंग इनकम है आपकी, ठीक है? तो वो इनकम लेने के लिए आप बेसिकली स्टार्टिंग से एलिजिबल हो जाते हो। तो ये आपकी चॉइस होती है अकॉर्डिंग टू योर डेली अर्निंग, आपको कौन सी कंफर्टेबल है आप उससे एंटर करते हैं, ठीक है? एंड उसके बाद आपकी अर्निंग कैसे स्टार्ट होती है अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे आपकी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग इनकम यहाँ से स्टार्ट होगी। अब आपको ये बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? सो ओके, जैसे आप ये हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर एंटर किया टू टेक योर इनकम, टू स्टार्ट योर इनकम, तो आपने यह वन टाइम परचेजिंग से अपनी आईडी एक्टिवेट करवाई, फॉर एग्जांपल 1200 पीवी से, ठीक है? यहाँ पर उससे कंपनी की तरफ से आप बन जाते हो लाइफ टाइम के लिए ब्रांड एम्बेसडर कंपनी के फॉर होल लाइफ टाइम। उसके बाद ना तो आपको लाइफ में कभी यहाँ से परचेजिंग करनी है, ना आपको सेलिंग करनी है, ना ही आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रमोशन करनी है। आपका वर्क क्या है वो मैं भी आप को बताऊंगी। एंड देन उसके बाद कंपनी की तरफ से आपको एक यूजर आईडी मिलता है एंड एक पासवर्ड मिलता है, ठीक है? एंड देन यहां पर आपको उसके साथ में एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसको बोलते हैं डैशबोर्ड। वहां पर आपका एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है, ठीक है? अब यहाँ पर होता क्या है, आपको सिर्फ दो बिजनेस पार्टनर को यहाँ पर ज्वाइन करवाना है। जब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी मोड अपना फॉलो करते हैं, जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, जब आपके पास यहाँ टू ज्वाइनिंग्स आती हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिसके भी जो भी आप जिस भी टेक्निक से लीड जनरेट करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप मुझे ये बताइए, ये जो बी एंड सी जो है, इन्होंने अगर आपके साथ ज्वाइन किया है तो ये क्यों किया है? क्या ये आपके कस्टमर बनने आए हैं या फिर क्या ये आपके कोई मेंबर बनने आए हैं? जी नहीं, ये ना तो आपके यहाँ पे कस्टमर बनने आए हैं, ना ही यहाँ पे आपके कोई मेंबर बनने आए हैं। इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन इसलिए किया है क्योंकि इनको भी यहाँ से इक्वल आपकी तरह अर्निंग स्टार्ट करनी है, राइट? तो ये भी यहाँ पे अपनी ब्रांड एम्बेसडरशिप लेते हैं फ्रॉम वन टाइम परचेज, एंड आफ्टर दैट इनको भी लेफ्ट राइट यहाँ पे मिलता है कंपनी की तरफ से। उस केस में जब ये बीएनसी अपना वन टाइम परचेज करते हैं तो आपका जो फर्स्ट इनकम बनता है वो 1200 रुपए का बनता है, क्योंकि 1 PV इक्वल टू कंपनी यहाँ पे 1 रुपीज के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? ये तो होगा, हो गया आपका प्योरली वर्किंग इनकम, राइट? क्योंकि आपने यहाँ काम किया। आप जब बी एंड सी भी अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेंगे, इनकी जब लीड जनरेट होगी, जब इनके पास टू ज्वाइनिंग्स आएंगी तो इनके लेफ्ट राइट में लगेंगी, इनके 1200 रुपीज बनेंगे जो इनकी वर्किंग इनकम होगी। लेकिन यहाँ पर ये आपका सेकंड चेक कितने का बनेगा? आपका सेकंड चेक बनेगा 2400 रुपीज का, जो कि आपका प्योरली नॉन वर्किंग इनकम। क्या आपने यहाँ कुछ भी काम किया? आपने यहाँ कुछ भी काम नहीं किया, स्टिल आपकी इनकम जनरेट हुई 2400 रुपीस की। क्यों? क्योंकि कंपनी को आपने बिजनेस दिया था बी एंड सी के थ्रू। अब चाहे आप यहाँ पे वर्क करें, चाहे बी एंड सी वर्क करें, आपकी इक्वल अर्निंग आने वाली है टिल डेफ तक से। और यही पावर है डी ड्रीम का कि टिल डेफ तक से आपको यहाँ इक्वल अर्निंग आने वाली है। कुछ भी ऊपर ऊपर तक कमीशन यहाँ कट के नहीं आता है, इक्वल अर्निंग आती है। सो सिमिलरली DEFG के थ्रू जब टू ज्वाइनिंग्स कंप्लीट होंगी तो इनके 1200, इनके 1200, इनके 1200 एंड इनके 1200 बनेंगे। एंड देन बी एंड सी की जो नॉन वर्किंग इनकम होगी वो 2400 रुपीज बनेगी, क्योंकि इनके डाउन में 2 पेयर्स कंप्लीट हुए एंड इनके डाउन में 2 पेयर्स कंप्लीट हुए। लेकिन अब थर्ड चेक आपका कितना बनेगा? आपका जो चेक बनेगा थर्ड, वो बनेगा 4800 रुपीज का। कैसे? ये पूरा आपका लेफ्ट साइड है एंड ये पूरा आपका राइट साइड है। 1, 2, 3, 4 मतलब 1200 × 4 का बिजनेस हुआ। आप इसको पीवी भी बोल सकते हैं, आप इसको रुपीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 PV = 1 rupees कंपनी आपको दे रही है। सिमिलरली राइट साइड में भी आपका 1200 × 4 का बिजनेस हुआ, तो आपका जो मैचिंग हुआ वो हुआ 4800 रुपीज का। ये आपका थर्ड चेक है जो कि प्योरली आपका नॉन वर्किंग इनकम है। अब सिर्फ आपको यहां तक आने की देर है, उसके बाद आपकी ऑलमोस्ट डेली की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कई लोग ये भी कई लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम डेली की अर्निंग आखिर कैसे आती है, जैसा कि एंट्री के अकॉर्डिंग आपने बताया। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आपकी टीम में 14 बिजनेस पार्टनर ज्वाइन कर चुके हैं,
मैं सिर्फ आपको 10 का एग्जांपल लेके बताती हूँ किस तरीके से आपकी डेली की अर्निंग जनरेट होती है, वो आप ध्यान से समझना। जैसे आपकी टीम में 10 बिजनेस पार्टनर ने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद जब सभी लोग रिक्रूटमेंट पे वर्क करेंगे क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जब सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग से लीड जनरेट करेंगे जो कि आपको ट्रेनिंग में प्योरली सिखाया जाता है, तो वहां पे आपको एटलीस्ट, ये मैं एटलीस्ट का एग्जांपल दे रही हूँ, इससे ज्यादा भी कॉन्टेक्ट आपको मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्क। तो जब सबके पास 10-10 कॉन्टेक्ट आएंगे तो 10 × 10 आपकी टीम में टोटल कितने कॉन्टेक्ट आए, 100 कॉन्टेक्ट। और मैं रेयर टू रेयरलेस्ट, एकदम रेयर टू रेयरलेस्ट अगर एग्जांपल दूंगी तो 10 जॉइनिंग्स 100 में से होती ही होती है। इसको ना तो आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकती हूँ, ये प्लान की पावर को देखती होती है, ठीक है। एंड उस केस में आपका जो डेली अर्निंग होगा वो 1200 से 6000 होगा ही होगा, 100% श्योर, ये श्योरिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेली का अर्निंग स्टार्ट हो जाता है एक बार आपकी टीम में अगर 10 एक्टिव मेंबर्स भी आ जाते हैं तो। अब फॉर एग्जांपल अगर आप खुद एक ब्रॉन्ज मेंबर हो जिसमें आप डेली का 1500 रुपीज ही अर्न कर सकते हो, एंड फॉर एग्जांपल ये आप हो, आपके लेफ्ट टीम में किसी ने डायमंड ज्वाइनिंग लगाई उससे आपको 1200 PV मिला, एंड राइट टीम में किसी ने 1200 की लगाई तो यहाँ से 1200 को मिला, एंड लेफ्ट टीम में एक और पर्सन ने फॉर एग्जाम्पल 600 गोल्ड एंट्री लगाई जिससे 600 रुपीज आपको मिला, एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक प्लेटिनम एंट्री लगाई तो यहाँ पर आपको 900 PV मिला। तो यहाँ पे आपका मैचिंग कितना होगा, जैसे यहाँ पे आपका 1800 का बिजनेस हुआ लेफ्ट साइड में, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका 2100 PV का बिजनेस हुआ राइट साइड में, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, आपका यहाँ पे जो मैचिंग होगा वो मैचिंग होगी आपका इधर, ये जितना भी आपका मैच हो रहा है वो तो आपका आ जाएगा लेकिन जितना भी बचा हुआ है वो आपका कैरी फॉरवर्डेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 1800 टोटल अर्निंग में आ गया, अब यहाँ पर जो आपका बचा है 300 PV ये आपका कहीं भी नहीं जाएगा, ये कैरी फॉरवर्डेड रहेगा। जैसे ही आपके नीचे वाले ये पर्सन कोई भी रिक्रूटमेंट करते हैं तो वो डायरेक्टली सबसे नीचे प्लेस हो जाती है ज्वाइनिंग। इससे होता ये है कि 1200 पीवी इनको भी मिलेगा, 1200 पीवी इनको भी मिलेगा, इन 1200 आपको भी मिलेगा, मतलब 1 लाख पर एक दूसरे से सब एम्पावर हो जाते हैं, और एक कंडीशन होती है सिर्फ मैच करना, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी ये मैचिंग होती चली जाती है। और अगर आप खुद ब्रॉन्ज मेंबर हो और आपका ये 1800 बना तो आपको 1500 ही मिलेगा, बाकी का 300 क्या हो जाएगा, आपका फ्लश हो जाएगा। और उस केस में आप क्या करोगे, अपनी आईडी अपग्रेड कराओगे क्योंकि आप खुद नहीं चाहोगे मैंने जितना अर्निंग करा उससे कम मुझे मिले। तो ये होती है कैपिंग, और ये ऐसा होता ही होता है क्योंकि जब ये टीम वर्क होता है तो आपका 1500 से ज्यादा ही बनता है, इनफैक्ट मेरा तो 6000 से भी ज्यादा बन जाता है, लेकिन उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपका फ्लश होगा ही होगा, 6000 ही हाईएस्ट है एक आईडी से, आप 6000 ही एक आईडी से ले सकते हैं एट मैक्स, ठीक है। इसीलिए आप मल्टीपल 3 आईडी पे भी वर्क कर सकते हैं, एक आईडी से 6K, 3 आईडी से जब आप वर्क करते हैं तो डेली का 18K आप यहाँ पे अर्न करते हैं। वो ट्राइपॉड कंसेप्ट बोलते हैं उसको, ये ट्राइपॉड कंसेप्ट होता क्या है फॉर योर मल्टीपल ग्रोथ, वो आपको ट्रेनिंग में यहाँ पे पूरा सिखाया जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो ये इनकम है ये प्योरली आपकी इनकम जो है ये ऑटो जनरेटेड है, ये इनकम जो हमारी इस बार बनी है ना ये खुद से बनी है, इस इनकम को लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि जब आपका जो वीकली पे आउट बनता है उसमें से 5% आपका वॉलेट में जाता है, 5% आपका टीडीएस कटता है। कोई भी कंपनी में अगर टीडीएस कट हो रहा है वहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि एक लीगल कंपनी है, यहाँ से आपको एक व्हाइट मनी जनरेट हो रही है, ठीक है। एंड 5% एडमिन चार्ज कटता है, ये आपको रिफंड नहीं होगा, ये आप रिफंड करवा सकते हो अगर आप ऑलरेडी आईटीआर भर रहे हो, और ये आपको प्रोडक्ट फॉर्म में मिल जाता है। अब जैसे 5% सबका वीकली मैसेज आपकी टीम का कटता है तो ऑब्वियसली बात है सब वहां से अपने फ्री के प्रोडक्ट्स लेंगे, मार्केट से नहीं लेंगे क्योंकि उनका 5% वॉलेट में जा रहा है। और जब जितना भी बिजनेस होगा टीम के थ्रू उससे आपकी जनरेशन इनकम ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। इस इनकम को लेने के लिए ना तो आपको किसी टीम मेंबर को कॉलिंग करनी है, ना किसी को प्रेशराइज करना है, ये ऑटो जनरेटेड इनकम है। प्लान इस तरीके का डिजाइन किया गया है ताकि आपकी ये अदर्स इनकम अपने आप से जनरेट होती रहे, ठीक है। तो ये इनकम आप बाद में भी वीडियो से भी समझ सकते हैं, आपको फोकस अभी किस पे करना है, मैचिंग इनकम पर।
सेकेंड इनकम, थर्ड इनकम, टीम बिल्डिंग बोनस इनकम, ये भी ऑटो जनरेटेड इनकम है। जैसे ही आपके लेफ्ट में राइट में फाइव फाइव आपके स्पॉन्सर से डायमंड बिजनेस पार्टनर ज्वाइन कर जाते हैं, आपकी एवरी मंथ इनकम स्टार्ट हो जाती है टीम बिल्डिंग बोनस। कैसे? जैसे सपोज आपकी 1 लाख जनरेशन इनकम बनी प्लस उतना ही 1 लाख टीम बिल्डिंग बोनस आपको डबल होके आएगा जैसे ही आपने ये अपने बिजनेस पार्टनर ज्वाइन। ये सिर्फ लाइफ में आपको एक बार करवाने हैं, उसके बाद ये एवरी मंथ आपकी इनकम आती रहेगी टीम बिल्डिंग बोनस। सिर्फ डिपेंड करती है जनरेशन इनकम पे, अगर 50 के है तो 50 की आएगी डबल होके, 25 की है तो 25 की डबल होके आएगी, डिपेंडिंग ऑन योर जनरेशन इनकम। और जनरेशन इनकम डे बाय डे आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? इट्स लाइक जस्ट ग्रेचुएटी इनकम। कैश अवार्ड इनकम भी आपकी खुद से जनरेट होती है जैसे जैसे आपके टीम मेंबर्स यहाँ पे बढ़ते चले जाते हैं, आप लेवल्स क्लियर करते चले जाते हो एंड अकॉर्डिंग टू लेवल आपको 10% 20% 50% ये कैश अवार्ड एवरी मंथ जनरेशन इनकम का कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी इनकम ऑटो जनरेटेड इनकम है, इनको आपको अभी डीपली नहीं समझना है क्योंकि ये खुद से आएंगी। आपको फोकस किस पे करना है? सिर्फ और सिर्फ ये इनकम पर, क्योंकि सिर्फ दो एक्टिव बिजनेस पार्टनर से एक लेफ्ट में एक राइट में आपका प्योरली नॉन वर्किंग इनकम स्टार्ट हो जाता है। एंड यू नेवर नो जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं आपको कब दो एक्टिव मेंबर मिल जाते हैं, क्योंकि कई मेंबर्स आपसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कई लोग आपसे भी ज्यादा पैशनेट हो सकते हैं, कई लोग आपसे भी ज्यादा टाइम दे सकते हैं वर्क को। तो वो लोग आपके टीम को या आपके बिजनेस को कहाँ आगे कर देते हैं आपको खुद नहीं पता चलता, यू नेवर नो, इट हैपन्स। तो यहाँ पे सिर्फ दो एक्टिव बिजनेस पार्टनर से आपका प्योरली नॉन वर्किंग इनकम स्टार्ट हो जाता है। एंड 6 मंथ में आपको अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे वर्क करते हैं आपको दो एक्टिव मेंबर नहीं मिले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है यहाँ पे। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड ये प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे आयुष मंत्रालय तक का सर्टिफिकेशन है। जैसे प्रोडक्ट्स की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो अगर मैं बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं तो आपको बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई एम अननोन फॉर यू। तो आप जो भी पर्सन है कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी एक्चुअल में बताता कौन है? जो सर्टिफिकेशन होते हैं जो क्वालिटी को मेजर करके गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे कि ISO सर्टिफिकेट हुआ, FSSAI का सर्टिफिकेट हुआ, हलाल सर्टिफिकेट हुआ, HACCP सर्टिफिकेट हुआ या फिर आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट हुआ, तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वे प्योरली आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। एंड ये सर्टिफिकेट सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं और वो स्टैंप देते हैं कि ये 100% क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है, 0% साइड इफेक्ट है, 100% रिजल्ट्स गिवन प्रोडक्ट है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ से लेते हैं वो आपको मार्केट से A1 क्वालिटी तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ आपको एक अर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ से मिल जाता है, ठीक है? और वन टाइम परचेज यहाँ पे होती है, लाइफ टाइम आपकी अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ये कुछ मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए लगाए हैं। PDF आप लेके सारे प्रोडक्ट्स को आप स्टडी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप अपनी एंट्री के अकॉर्डिंग फॉर्म को बना के आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अगर किसी को हेल्थ इशू है तो यहाँ के हेल्थ सप्लीमेंट्स भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आप अपनी हेल्थ इशू उनको बता के जिसके थ्रू इस वेबिनार में आए हैं उनको बता के आप ये बता कोई भी प्रोडक्ट आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप अपनी हेल्थ भी अच्छी करते हो और अर्निंग अपनी स्टार्ट करते हो यहाँ से। जैसे अगर किसी को वेट लॉस की रिक्वायरमेंट है तो नेचुरल तरीके से वो अपना वेट लॉस भी करते हैं क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है और अपनी अर्निंग भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है फेशियल किट, आई थिंक ये आपको सारे लाइव देखने को भी मिलेंगे, सो मैं आपको ज्यादा प्रोडक्ट का नहीं बताऊंगी, मैम अभी आपको लाइव दिखाएंगे। सो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जिसके भी थ्रू आप इस वेबिनार में आते हैं उनके थ्रू आपको ये फॉर्मेट मिलता है और ID नंबर आपको वो लगा के देते हैं, ठीक है? So this is all from my side. Over to you, Anshu ma'am. Okay. Thank you. Hello everyone. Myself Anshu Garg और मैं Daydream के brand partner हूँ और बहुत अच्छी यहाँ से earning ले रही हूँ। तो जैसे कि प्रेरणा ने बताया कि अब मैं आपको यहाँ product दिखाऊंगी जो कि एक बार ID लगाने के समय मैंने लिए थे, क्योंकि मैंने tripod से ID लगाई थी और अभी वॉलेट भी जो बताया उन्होंने परचेज किया, तो मेरे पास काफी प्रोडक्ट है आप लोगों को लाइव दिखाने के लिए, ठीक है? तो पहले मैं हेल्थ सप्लीमेंट से शुरू करती हूँ। ये है हमारा मल्टीविटामिन हेल्थ मिक्स, जो कि आपके जॉइंट्स पेन के लिए और जो हेयर्स प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें जैसे आजकल की जो डाइट होती है उसमें विटामिन वगैरह इतने नहीं होते प्रॉपरली,
तो मोस्टली लेडीज को 35 के बाद विटामिन और मिनरल्स की कमी होती ही होती है, तो उनके लिए क्योंकि वो प्रॉपर अपना ध्यान नहीं रखते हैं, ये बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप ये यूज करोगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। और ये आप देख सकते हो सारे यहाँ पर आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स इसके मिलेंगे, जो सर्टिफिकेशन है इसका सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि आयुष मंत्रालय तक का सर्टिफिकेशन है, जो इजीली हर प्रोडक्ट को नहीं मिलता। प्रोडक्ट प्योर आयुर्वेदिक है। आपको पता है जब पहले आयुर्वेद का ही यूज होता था तो हम कितना फिट रहते थे, बट आजकल जो ये एलोपैथिक और एंटीबायोटिक वगैरह आई है इनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये वेट लॉस है, आप देख सकते हो इससे इंचेस पे वर्क होता है, और ये भी प्योर हर्बल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी बीन्स वगैरह ऐसे जो प्रोडक्ट्स है ना, इंग्रेडिएंट्स है, उनसे बना। ये वुमेन केयर है, आप देख सकते हो वुमेन केयर सारे वुमेन प्रॉब्लम पे जो समझ सकती है, लेडीज जो प्रॉब्लम होती है इंटरनली और जो जैसे हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट। ये मोस्टली लेडीज ले सकती हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। जो भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, बैक पेन, जैसे इसमें अशोक चाल, नाग केसर, नाग बस, इस तरह से है इंग्रेडिएंट, तो आप खुद सोच सकते हो। अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट ना लेना चाहो तो ये है, हेयर फॉल शैम्पू है, क्योंकि मुझे इस महीने लेना ही था तो मैंने बाहर से ना लेके अपने वॉलेट से अभी मंगाएगी। एप्पल शैम्पू है, ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे हैं ये। इसमें जैसे फ्रीजी हेयर होते हैं या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया इनका। ये तुलसी ड्रॉप है, जो बारिश वगैरह के मौसम के लिए जो वायरल इन्फेक्शन वगैरह का होता है ना, तो ये तो प्रॉपर यूज करनी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि हर घर में तुलसी ड्रॉप जरूर यूज करनी चाहिए। जैसे तुलसी लीव्स होती है वो प्रॉपरली हर घर में नहीं होती, मतलब कई बार सूख जाती है, कई बार वो झड़ जाती है लीव्स ना उनकी, बट इससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। ये सनस्क्रीन लोशन है और ये 60 SPF का है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका भी। और एक्टीडॉक्स है, सी बकथम जूस है, जो मेनली ओमेगा 369, आप सोच सकते हो ओमेगा 3 में ही कितना बेनिफिट मिलता है हेयर और स्किन के लिए, उसका भी आप कर सकते हो। और ये फेशियल के, आप देखो कितना, मतलब इससे हम मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कि एक बार लेके आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे। एक ही बार लेना है आपको, एवरी मंथ कोई परचेजिंग नहीं है, और यहाँ से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अर्निंग ना करो। यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, जो अपलाइन की तरफ से आपको लीडर्स की तरफ से सपोर्ट मिलता है, और कहीं नहीं है, बहुत अच्छे से अपनी साथ साथ पहले ये देखा जाता है कि टीम में अर्निंग कितनी हो रही है। तो मैं मतलब ये कह सकती हूँ कि आप यहाँ ज्वाइन होने के बाद हैप्पी ही रहोगे। तो मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू सो मच प्रेरणा जी, और थैंक यू सो मच पलक मैम। हाय गाइस, तो मैं भी अपने बारे में, जैसे मैम लोगों ने आपको अपने बारे में बताया, मैं भी अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मैं भी एक सिंपल हाउस वाइफ हूँ, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब कि इतनी अच्छी इनकम ले सकती हूँ। क्योंकि एक तो होता है ना कि हमें शादी के बाद हमें सिर्फ ये बोला जाता है कि आप लोग घर में रहिए और घर संभालिए, है ना, और यही तरीके की हमारी जिंदगी मतलब कि एक दायरे में बंद होकर रह जाती है कि हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं। पर मेरी जो शुरू से ही जो मेरा ड्रीम था ना, वो ये था कि मुझे मतलब कि जॉब करनी है। जॉब कर नहीं सकते शादी के बाद, बच्चे हो गए तो बच्चों के साथ रह के तो हम जॉब कभी कर ही नहीं सकते, है ना, फिर बच्चों को छोड़ के जाना होता, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें घर से बाहर जाना था, यहाँ पे रह के ही करना था, हमें बच्चों को भी नहीं छोड़ना था, फैमिली को भी संभालते हुए मतलब अपना ये वर्क कर सकते थे, है ना। तो मैंने क्या किया ना कि मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया। मुझे नेटवर्किंग करते 2 साल हो गए, इस 2 साल के बीच में मैंने 12 लाख के समथिंग अर्निंग ली है। मैं अपनी टी ड्रीम की जर्नी आप लोगों से बताना चाहूंगी। मुझे यहाँ पे ज्वाइन हुआ भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इससे पहले मैंने बहुत सी कंपनियों में वर्क किया है, पर टी ड्रीम में मुझे लाने वाले मेरे फलक मैम, मतलब मेरे सुपर अपलाइन फलक मैम है, जो उन्होंने ना मेरी ही टी, मतलब कि ऐसी काफी हाउस वाइफ है जिनकी लाइफ चेंज करती है। मतलब कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं 70-80 हजार रुपए हर मंथ का कमा सकती हूँ। मैंने तो ये सोचा था कि मैं अगर 8-10 हजार भी कमाऊँ ना तो भी मेरे लिए काफी है। लेकिन जैसे प्रेरणा मैम ने बताया ना कि जब हम लोग यहाँ पे मतलब जैसे सोचते हैं ना हमें कितनी इनकम हो तो भी चलेगा, पर ऐसा नहीं होता। जब हम कुछ करने लगते हैं
हमारे हाथों में पैसा आने लगता है ना, तब हमारी ख्वाहिशें जो होती है ना वो बढ़ने लगती है ना। जैसे कि बच्चों की ख्वाहिशें तो आजकल आप लोग जानते ही हैं कि आजकल मतलब कितनी महंगाई है। अगर बच्चे किसी भी हाथ में किसी भी चीज में हाथ रखते हैं तो कितना महंगी चीज होती है वो, और हर इंसान उसको पूरा करके बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, है ना। हम लोगों को क्या करना होता है ना कि हस्बैंड से मांगना होता है उस जगह पे, और हस्बैंड हो सकता है उस टाइम मना करते हैं कि अभी नहीं है आप बाद में ले लेना। तो बच्चे बार बार पापा से कहने नहीं जाते, हम ही लोगों से बोलते हैं कि मम्मी हमको ये दिला दीजिए। आज मैं खुद पे इतनी सक्षम हूँ कि मैं यहाँ से खुद अपने पैसों से अपने बच्चों के लिए मतलब कि कुछ भी बोले मैं वो ला के दे सकती हूँ, है ना। और मैं अपनी घर में मतलब कि कुछ भी अगर मुझे खुद खरीद के लाना होता है ना, मैं किसी से पूछती नहीं हूँ, मैं खुद ला के दे सकती हूँ घर में ना। और अपनी फैमिली की मतलब की सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। हमारी कंपनी का डी ड्रीम क्यों नाम है, क्योंकि जो हाउसवाइफ होती है, सिंपल हाउसवाइफ, उनके काफी ड्रीम होते हैं, तो हमारी कंपनी का नाम ही डी ड्रीम है। तो आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि यहाँ पे ज्वाइन होने वाला मतलब कि कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं हो सकता, उसका छोटे से लेकर बड़ा तक ड्रीम भी वो यहाँ से पूरा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं होता कि हाउसवाइफ ड्रीम देखती नहीं है, बहुत सी हाउसवाइफ होती है ना जो बहुत कुछ मतलब सोचती है पर उनके पूरे नहीं हो पाते। पर आप लोग अगर एक बार डी ड्रीम ज्वाइन करोगे ना, तो पक्का से आप लोग बहुत अच्छी यहाँ से इनकम लोगे। और जो मैं अपनी इनकम बता रही हूँ ना आज आपको कि मैं यहाँ पे 70-80 हजार रुपए पर मंथ अर्निंग कर रही हूँ ना, वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार, ठीक है। एक सेकंड मैं आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे डी ड्रीम में जो भी बोला जाता है ना वो एकदम रियल बोला जाता है, और आपको यहाँ पे यानी कि सारा कुछ दिखाया भी जाता है। एक सेकंड, अभी यहाँ पे प्रेरणा मैम भी अपनी स्क्रीन शेयर करेंगी। मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, कोई एक बार बता दीजिए। हाँ क्लियर है। हाँ ओके मैम, थैंक यू। तो जैसे प्रेरणा मैम ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हम अपनी 3 ID पे वर्क कर सकते हैं ना, तो मैंने भी यहाँ पे देखी अपनी 3 ID लगा रखी हैं, और मैं अपनी मेन ID आप लोगों को ओपन करके एक बार दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, मुझे पता भी नहीं है अभी यहाँ पे देखिए 300 का बन भी गया है। ये मेरा नाम दीक्षा सोनी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा सिर्फ सिर्फ कल का ही इनकम है 3,000 एक डे में। 3,000 मतलब कि कहाँ मेरी सोच थी कि मैं 8-10 हजार भी महीने का कमाऊं, काफी काफी है, पर यहाँ पे हम पर डे का 1-6 हजार अर्न कर सकते हैं ना। और आप यहाँ पे ये देख सकते हो, मैंने 2,19,375 की इनकम ले ली है, यानी कि 5 से 6 मंथ में ही मैंने ये इनकम यहाँ से ली है। और आप लोगों को हम एक बार दिखा दें कि हम यहाँ पे जो वीकली इनकम ले रहे हैं ना, वो आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पे वीकली इनकम भी मेरा देख सकते हैं। ये मेरा अभी जो पीक निकल गया है ना परसों मेरा 15,900 आया, तो उससे पहले 13,200, उससे पहले 18,000, 10,800, मतलब इस तरीके से मेरी ये वीकली इनकम है ना। कहाँ मेरी सोच थी कि मैं महीने का भी 17-18 हजार अगर कमाऊँ या 10 हजार कमाऊँ तो भी काफी, पर यहाँ तो वीक की इनकम कमा रहे हैं ना। तो अगर आप लोग भी अब इस जगह पे अगर सोच रहे हैं कि मुझे वर्क करना है या नहीं करना, तो मैं तो बोलूंगी कि आप लोगों को सोचना नहीं चाहिए, आप लोगों को एक बार ज्वाइन जरूर करना चाहिए। आप लोग ज्वाइन करोगे ना तो आप लोग अच्छी इनकम दे पाओगे, है ना। अगर आप लोग ज्वाइन करोगे, देखो एक चीज मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर हम लोग अभी मतलब कि रेस्टोरेंट चले जाए, मार्केट चले जाए, तो हम 1,000-2,000 रुपए यूज खर्च करके चले आते हैं ना। जब हमारी लिस्ट होने का आता है ना, तो हम लोग पता नहीं कितना सोचते हैं कि पता नहीं 1,000-1,200 लगाते, पता नहीं हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, पर ऐसा नहीं है। हम लोग अगर वहाँ पे इतना पैसा खर्च कर सकते हैं ना, तो एक बार क्या हम अपनी लाइफ चेंज करने के लिए यहाँ पे 1,000-1,200 रुपए नहीं लगा सकते। हमारी कंपनी में हर टाइप की आपको एंट्री मिलती है, मतलब कि आप ज्यादा से भी एंट्री ले सकते हो, आप कम से भी एंट्री ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है आप किससे एंट्री लेना चाहते हो, है ना। 1,100 रुपए किसी के पास ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास ना हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कितना पैसा खर्च करते हैं। तो 1,100 रुपए में कौन कौन ज्वाइन होना चाहते हैं, आज जितने लोग भी ज्वाइन होना चाहते हैं फटाफट से आप छोटी एंट्री से भी एंटर कर सकते हो, डायमंड से भी 4,400 से भी एंट्री कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप किससे एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। और अपनी एक लाइफ चेंज करो, पर डे की इनकम कमाने का आपको जरिया मिलता है। हमारी कंपनी को 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम लोग तो बहुत ज्यादा खुश हैं।
और अगर आप लोग भी ज्वाइन करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा कि आप लोग भी अच्छी इनकम करेंगे। थैंक यू सो मच पलक मैम, जो आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे, जो हर एक सिंपल हाउसवाइफ भी यहाँ से अच्छी इनकम ले पा रहे हैं। हाँ, 1100 में आप एंट्री कर सकते हो, 80 रुपए आपका शिपिंग लगता है। आप जिसके साथ आए हो आप एक बार उनसे पूछ के ना, वो आपको बता भी देंगे। पलक मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दीक्षा, थैंक यू सो मच प्रेरणा, अंशु जी, सबने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके सो बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।